हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। सो आज की वीडियो में हम डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोसाइटी का प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका एग्जाम अभी संडे को है, परसों। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, फ्लैग साइन इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिजीज, एंड द ऑप्शंस आर पोलियोमेलाइटिस, मरासमस, ऑप्शन नंबर सी इज रिकेट्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्वाइश्चन। तो मतलब फ्लैग साइन जो है वो हमें इनमें से कौन से डिजीज में देखने को मिलता है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्वाइश्चन। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, जो बच्चों के हेयर होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, और इसी के साथ साथ वहां पे हमें बैंड ऑफ लॉस ऑफ पिगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा, लाइक दिस। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि कहीं पे जो हेयर्स हैं वो डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है, फिर लाइट है। तो मतलब डिफरेंट बैंड्स बने हैं ड्यू टू लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, तो दिस इज नोन एज फ्लैग साइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड इज विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज लव एंड बिलोंगिंग, ऑप्शन नंबर सी इज फिजियोलॉजिक नीड्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेल्फ एस्टीम नीड्स। सो इनमें से जो लोएस्ट लेवल है मास्लो हायरार्की थ्योरी का, उनमें से लोएस्ट लेवल पे कौन सी नीड आती है, एंड इनमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिजियोलॉजिक नीड्स। तो अगर हम मास्लो थ्योरी को देखते हैं तो सबसे नीचे हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, जिनमें हमारा एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये बेसिक नीड्स आती हैं। इसके ऊपर देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें कि हमारी पर्सनल सिक्योरिटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी आता है। फिर उसके ऊपर हमारी जो हायरार्की है दैट इज लव एंड बिलोंगिंग, जिसमें हमारी फ्रेंडशिप है, फैमिली है, इंटीमेसी है, सेंस ऑफ कनेक्शन है। उसके ऊपर देयर इज एस्टीम, एस्टीम इंक्लूड द रिस्पेक्ट हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, स्टेटस इन द सोसाइटी, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। एंड सबसे ऊपर जो है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। तो दिस इज द मास्लो हायरार्की थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिपिकल टाइप ऑफ प्ले इन अ टॉडलर इज, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इज सॉलिटरी प्ले, ऑप्शन नंबर बी इज पैलर प्ले, ऑप्शन नंबर सी इज कोऑपरेटिव प्ले, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एसोसिएटिव प्ले। मतलब इनमें से कौन से टाइप का प्ले है जो टॉडलर, मतलब जो बच्चे 1 to 3 ईयर्स के बीच में होते हैं, उनमें प्रेजेंट होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैरेलल प्ले। तो अगर हम टाइप ऑफ प्ले देखते हैं तो इसको हम विद द निमोनिक स्पाइका, SPICA करके याद कर सकते हैं, जिसमें कि एस स्टैंड फॉर सॉलिटरी प्ले, जो कि इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है बिटवीन 0 to 1 ईयर ऑफ एज। देन पी रेफर्स टू पैरेलल प्ले, दैट इज प्रेजेंट इन द टॉडलर्स। देन आई इज इमेजिनरी प्ले, जो कि प्री स्कूलर्स में प्रेजेंट होता है, 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होंगे वो इमेजिनरी प्ले खेलते हैं। देन उसके बाद जो हमारा कोऑपरेटिव प्ले, उसके बाद हमारा आता है कोऑपरेटिव प्ले, और जो कि हमारा स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में हमको मिलेगा, ठीक है, 6 to 12 ईयर्स में। एंड एट द लास्ट ए स्टैंड्स फॉर एथलेटिक प्ले, जो कि हमें एडोलेसेंट में देखने को मिलता है। तो दिस आर द टाइप ऑफ प्ले दैट यू कैन लर्न बाय स्पाइका। Now the next question is, physiological anemia during pregnancy is a result of, and the options are decreased dietary intake, option number B is increased detoxification demand on mother's liver, option number C is decreased erythropoiesis after first trimester, and option number D is increased blood volume. So during the pregnancy, due to the increase in the blood volume, the mother will have physiological anemia. So that's why during the pregnancy mother को हम prophylactic iron tablet खाने के लिए बोलते हैं after first trimester, in the second and the third trimester, means that is 180 days mother को during her pregnancy iron tablets लेनी है, जिनमें की iron will be 100 mg and it along with folic acid that is 500 microgram of 0.5 mg।
So option number D is the correct answer. Now the next question is, the tissue present in the lining of kidney tubules and duct of salivary gland is, and the options are, option number A is squamous epithelial tissue, option number B is glandular epithelial tissue, option number C is cuboidal epithelial tissue, and option number D is columnar epithelial tissue. So in mein se, in the lining of the kidney tubules and salivary duct, kaun sa hamara jo epithelial tissue hai present hota hai, to isme jo correct answer hai, that is option number C, cuboidal epithelial tissue. Now the next question is, the joint on our elbow is an example of, and the options are hinge joint, option number B is ball and socket joint, option number C is pivot joint, and option number D is gliding joint. And the correct answer is option number A, that is hinge joint. Jo hamari elbow hai, hamara ankle hai, and knee hai, they all are example of hinge joint. And ye person ko bending or straightening wale movement mein help karte hain. Jo hamara ball and socket joint hai, वो सारी मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जिसमें कि हमारा बैकवर्ड फॉरवर्ड साइडवेज एंड रोटेटिंग मूवमेंट्स हैं, और जो हमारा शोल्डर जॉइंट है एंड जो हमारा हिप जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल हैं. जो हमारा पाइवोट जॉइंट होता है, ये हमारा जिसमें कि हम रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारी रिस्ट हो गई और हमारी नेक हो गई, जिनमें कि हम रोटेशन कर सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट. सो ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा जो होता है, ये हमारे जो कार्पल्स हैं और हमारे टार्सल्स हैं, इनमें होता है. दैट इज प्रेजेंट इन द एंकल एंड द रिस्ट, दैट कंसिस्ट ऑफ द मेटाकार्पल एंड द मेटा टार्सल बोन्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Now the next question is, which of the following organ should be covered during phototherapy, and the options are eyes and genitalia, option number B is eyes and abdomen, option number C is only genitalia, and option number D is eyes and umbilicus. So isme jo correct answer hai wo hai option number A, that is eyes and genitalia. So whenever बच्चों को हम phototherapy देते हैं, तो उसकी eyes और उसका जो genitalial area है वो हमेशा covered होना चाहिए. Now the next question is, which is the identification sign of hip dysplasia, and the options are Barlow sign, option number B is Ortolani sign, and option number D is Trendelenburg sign, and option number D is Murphy sign. So isme jo correct answer hai, that is Ortolani sign, jo ki hum hip dysplasia ke liye check karte hain. Option number B is the correct answer. Now the next question is, when a newborn baby is touched on the cheek corner, he turns his head in the same direction, what is this reflex called? It is called sucking reflex, gag reflex, rooting reflex, or tonic neck reflex. So jab hum baby ki cheek ke around agar hum stroke karte hain, to baby usi side ko अपना फेस जो है, जो हेड है, वो घुमा लेता है. तो उस हमारी जो रिफ्लेक्स है, उसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 85 ईयर ओल्ड पेशेंट हैज एन एक्सीडेंटल फॉल व्हाइल गोइंग टू द बाथरूम विदाउट असिस्टेंस. इट अपीयर्स द पेशेंट हैज सस्टेन्ड अ बोन फ्रैक्चर टू द लेफ्ट लेग. द लेग शेप इज डिफॉर्म्ड एंड द पेशेंट इज अनेबल टू मूव इट. The patient is alert and oriented but in pain. What will you do first after confirming the patient is safe and stable? And the options are apply an ice pack covered with a towel to the site. Option number B is immobilize the fracture with splint. Option number C is administer pain medication. And option number D is elevate the extremity above heart level. So the correct answer is option number B, that is immobilize the fracture with splint. क्योंकि दिस थिंग विल हेल्प टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी बाय द पेशेंट. इमोबिलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट फर्दर पेन और ब्लीडिंग अलॉन्ग विद मोर डैमेज दैट
can occur to the surrounding tissues. And in addition, if a bone is not immobilized but moved after it has been fractured, this can affect the healing process. So that's why immobilization is very much important. Now, the next question is, which statement by patient who just received a cast on the right arm for a fracture requires you to notify the physician immediately? And the options are, it is really itchy inside my cast. Option number B is, my pain is so severe that it hurts to stretch or elevate my arm. Option number C is, I can feel my fingers and move them. Option number D is, I have been using ice pack to reduce swelling. So patient hai, usko cast laga hai, to inme se kaun si cheez hai jo wo kahega, to it is the responsibility of the nurse that she should immediately inform it to the physician. So the option number B is the correct answer, that my pain is so severe that it hurts to stretch or elevate my arm. So this is known as compartment syndrome. So means jin bhi patients ko hum cast lagate hain unme hamesha humne compartment syndrome ko dhyan mein rakhna hai. So compartment syndrome is where the nerves and blood vessels are becoming compromised due to increasing pressure in the compartment within the fascia. So remember to monitor the 6 P's. So these 6 P's that the patient is suffering from compartment syndrome, and the patient will have pain, pallor, paralysis, paresthesia, pulselessness, which is the late sign, and pyokilothermia. So these 6 P's should be checked while the patient is on cast. Now the next question is, what is the late sign of compartment syndrome? And the option are paralysis, pain, paresthesia, or pulselessness. So already हमने पिछली slide में discuss किया है कि 6 P's हैं जो हमने ध्यान में रखना है, और उनमें से जो सबसे late आएगा that will be pulselessness. This is the late sign of compartment syndrome. Now the next question is, a patient sustained a fracture to the femur. The patient has suddenly become confused, restless, and has a respiratory rate of 30 breaths per minute. Based on the location of fracture, the presenting symptoms, this patient may be experiencing what type of complication? And the options are compartment syndrome. Option number B is osteomyelitis. Option number C is fat embolism. And option number D is hypovolemia. So the correct answer is option number C, that is fat embolism. Because patient who experienced the fracture of the long bone, because femur jo hai, wo long bone hai, so they are at a risk for fat embolism. So the patient will become confused, restless, and along with an abnormal respiratory status. Now the next question is, on duty in the emergency department, the nurse is concerned when a client continues to bleed from severe laceration even after applying direct pressure. The next action is to apply ice to lower the body temperature. Option number B is monitor closely for signs of shock. Option number C is elevate the upper extremities and apply blanket to raise body temperature. And option number D is maintain a patent airway and prevent vomiting. So isme kya hai ki already patient ko laceration hai, heavy bleeding ho rahi hai, but after applying the pressure on the laceration, jo bleeding hai wo bhi control nahi ho rahi hai. To jo next concern hoga, jo next action hoga wo nurse ka, wo kya hona chahiye. So isme kya hai, the option number B is the correct answer, to monitor closely for signs of shock. Because due to heavy bleeding, the patient may go in a state of shock that she can characterize with hypotension, tachycardia, cold and clammy skin. Now the next question is, for a client who has just been stung by bee and has gone into anaphylactic shock, what is the priority assessment? And the options are observe for vertigo. Option number B is assess for local edema. Option number C is assess for dyspnea or respiratory difficulty. And option number D is check for skin rash. So after stung by bee, and the main concern in the anaphylactic shock is to maintain the breathing pattern or maintain the airway.
So the nurse should assess for dyspnea or respiratory difficulty. Now the next question is, 6-year-old child is seen in the emergency room after stepping on a rusty nail. He has received no immunization. What should the nurse expect to give him immediately to prevent the tetanus infection? ठीक है, तो एक रस्ट नेल के ऊपर बच्चे का पैर आ गया है, उसके साथ कुछ मतलब रस्ट नेल के साथ इंजरी हुई है, हिस्ट्री बता रही है कि बच्चे ने कभी कोई इम्यूनाइजेशन नहीं लिया, तो इस टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट द टेटनस इन्फेक्शन विल नॉट अकर इन द पेशेंट. सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इज टेटनस टॉक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इज डीटीपी, ऑप्शन नंबर सी इज इम्यून सीरम ग्लोबुलिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेनिसिलिन. सो इसमें द ऑप्शन नंबर सी दैट इज इम्यून सीरम ग्लोबुलिन इज द राइट आंसर, बिकॉज बच्चे की एक तो कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है एंड वी आर सपोज टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी टू द चाइल्ड, तो हमने उसको ऑलरेडी एंटीबॉडीज ही प्रोवाइड करनी है, तो दैट्स वाई इम्यून सीरम ग्लोबुलिन इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is, a severely burned client is to be admitted from the emergency department. What type of room should the nurse prepare for the client? And the options are a semi-private room with a non-infectious client, a room with a post-operative client, an isolation room, or a private room with a private bath. So, severely burned patient है, तो उसके लिए हम एक isolation room तैयार करेंगे. That option number C is the correct answer, because जो पेशेंट बर्न वाले होते हैं दे आर एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो उनमें इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, सो दैट्स व्हाई आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अडल्ट हु वाज स्टक बाय लाइटनिंग इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हिच एक्शन इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन द क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम. And the options are obtain an ECG. Option number B is check blood gases. Option number C is dress wounds. And option number D is check electrolyte. So, इसमें जो correct answer होगा that will be option number A, that first check the ECG of the patient, because struck by light can lead to dysarrhythmia in the patient. So that's why ECG को पहले obtain करना बहुत जरूरी है. Now the next question is, an unresponsive client with diabetes mellitus is admitted to an emergency department with the serum glucose level of 35 mg per deciliter. Which medication should a nurse plan to administer? Okay, diabetic patient है, with the serum glucose level 35 mg per deciliter admit हुआ है, तो उसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि जो patient है that is in hypoglycemia. ग्लाइसीमिया, बिकॉज द शुगर इज लेस देन 70 mg/dL. ठीक है, 70 से कम शुगर को हम क्या लेते हैं कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, एंड नॉर्मल हमारी जो है 70 to 110 इन द फास्टिंग जो हमारी शुगर होती है. ठीक है, सो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो नर्स पेशेंट को प्रोवाइड करेगी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकागोन. ठीक है, ग्लूकागोन अगेन पेनक्रियाज सिक्रिएट करता है, इंसुलिन भी पेनक्रियास सीक्रेट करता है, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द शुगर इन द पेशेंट एंड जो इंसुलिन का इफेक्ट है उसको कम करेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स असेसिंग अ क्लाइंट फॉर शॉक ऑब्जर्व दैट द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ शॉक इज हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, नैरोइंग पल्स प्रेशर, वार्म मॉइस्ट स्किन. सो इसमें जो अर्लीस्ट सिम्टम है शॉक का वो क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नैरोइंग पल्स प्रेशर. सो व्हाई देयर इज नैरोइंग पल्स प्रेशर, दैट इज ड्यू टू हाइपोटेंशन. तो जब भी हाइपोटेंशन होगा पल्स प्रेशर विल बी नैरो, हाइपरटेंशन में पल्स प्रेशर विल बी वाइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट बीइंग एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ चीफ कंप्लेंट ऑफ एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग. सो द नर्स आस्क द क्लाइंट अबाउट द होम मेडिकेशन बीइंग टेकिंग. द नर्स वुड बी मोस्ट कंसर्न इफ द क्लाइंट स्टेटेड दैट विच मेडिकेशन वॉज बीइंग टेकन एट होम, एंड द ऑप्शंस आर डाइजॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी इज कैप्टोप्रिल, ऑप्शन नंबर सी इज लोसार्टन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्लोसिमाइड. सो इसमें जो पेशेंट है उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या है, एनोरेक्सिया,
नोशिया एंड वॉमिटिंग, तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कि कंसर्न है कि उस मेडिसिन के इनटेक के साथ पेशेंट को ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिजॉक्सिन, विच इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस। एंड डिजॉक्सिन जो है वो हम पेशेंट को तब नहीं देते जब उसका ब्लड जो पल्स रेट है दैट इज लेस देन 60। एंड इसमें जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है उसका जो मेन सिम्टम है दैट इज एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की कंप्लेंट है पेशेंट को, दैट्स व्हाई द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। एंड इसके बाद जो पेशेंट है उसको जो सिम्टम्स आते हैं दैट इज ऑकुलर सिम्टम्स, ठीक है। पेशेंट विल हैविंग लाइक हेलोज की प्रॉब्लम होगी एंड एट द लास्ट द पेशेंट विल हैविंग दिस अरिथमिया, कार्डिक प्रॉब्लम आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड अ ब्लंट इंजरी टू द चेस्ट वॉल। सो विच फाइंडिंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नीमोथोरैक्स इन दिस पेशेंट। सो नीमोथोरैक्स इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द लंग्स। सो इनमें से कौन सा फाइंडिंग है जिससे पता लगेगा कि पेशेंट को नीमोथोरैक्स हुआ है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, ठीक है। तो हमें जो पेशेंट की ब्रेथ साउंड होगी वो क्लियरली नहीं सुनाई देंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज असाइंड टू केयर फॉर फोर क्लाइंट्स विद सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, विच हेल्थ प्रॉब्लम शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज प्रायोरिटी। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इज हेड इंजरी, ऑप्शन नंबर बी इज फ्रैक्चर फीमर, ऑप्शन नंबर सी इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड। सो इनमें जो करेक्ट प्रायोरिटी होगी दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बिकॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको पहले करेक्ट करना है, इस पेशेंट को सबसे प्रायोरिटी पे केयर प्रोवाइड करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द पार्कलैंड बर्न फॉर्मूला। सो इनमें से कौन सा है जो पार्कलैंड बर्न फॉर्मूला है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 ml इनटू वेट ऑफ द पेशेंट इन केजीज इनटू द टोटल बर्न सरफेस एरिया, कि कितने परसेंट जो बॉडी है वो बर्न है, दैट वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 46 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैज 63% टोटल बॉडी सरफेस एरिया पार्शियल थिकनेस बर्न, पेशेंट वेज 80 kg। Using the Parkland burn formula, calculate the fluid to be given in 24 hours. तो अब इसमें हमें क्या है कि हमें पता है कि हमने कितने ml से स्टार्ट करना है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है 63 एंड वेट कितना है 80 kg। तो हमने फ्लूइड कैलकुलेट करना है कि 24 आवर्स में हमने पेशेंट को कितने ml फ्लूइड देना है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20,160 ml। सो फॉर्मूला क्या है, 4 ml इंटू वेट इन केजीज इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। 4 ml है, वेट कितना है पेशेंट का 80 kg, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न कितना है 63%। तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है टोटल फ्लूइड टू बी गिवन इन 24 आवर्स। इसमें से हाफ ऑफ द फ्लूइड दैट इज 10,080 ml should be given in first 8 hours and remaining half should be given in next 16 hours. तो ऐसे हम burn patient का जो हमारा fluid calculation होती है वो हम इस formula को use करके करते हैं। इसके अलावा हमारे पास Ivan formula भी है, Brook formula भी है, जो कि हम use करते हैं for the patients who are having burn injury. सो आज की वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया है, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड कमेंट एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।